नमस्कार, मैं सुवर्णा। न्याय टीवी में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। कोर्ट राउंडअप की खबरें अब विस्तार से। घरेलू हिंसा के एक मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने अहम आदेश देते हुए कहा, झगड़ालू प्रवृत्ति की बहू को संयुक्त घर में रहने का कोई अधिकार नहीं है और संपत्ति के मालिक उसे बेदखल कर सकते हैं। फैसले की इस लाइन को पढ़कर आपको लगेगा कि जरूर मामला सास बहू की लड़ाई का होगा, जबकि ये मामला पति पत्नी के बीच झगड़े का था, जिसमें न चाहते हुए भी 69 साल की सास और 74 साल के ससुर को बीच में आना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कर्नाटक हाईकोर्ट के उस आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया, जिसमें कर्नाटक राज्य विधि विश्वविद्यालय KSLU को 3 वर्षीय LLB पाठ्यक्रम के लिए परीक्षा आयोजित करने की अनुमति दी गई थी। जस्टिस AM खानविलकर और जस्टिस CT रवि कुमार की बेंच ने कहा, याचिका खारिज की जाती है, कोई राहत नहीं कि वे कानून के छात्र हैं और भविष्य में वकील और न्यायाधीश बनना चाहते हैं। जस्टिस SG पंडित और जस्टिस अनंत रामनाथ हेगड़े की कर्नाटक हाईकोर्ट की खंडपीठ ने 14 दिसंबर 2021 को एकल न्यायाधीश पीठ के आदेश को रद्द कर दिया था। इस आदेश में अदालत के KSLU द्वारा जारी अधिसूचना को रद्द कर दिया था। इस अधिसूचना में 3 वर्षीय LLB कोर्स के दूसरे और चौथे सेमेस्टर के छात्रों के लिए ऑफलाइन एग्जाम कराने थे। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि 2005 में संशोधित हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार बेटियां भी अपने माता पिता द्वारा विरासत में मिली संपत्ति में समान हिस्सेदारी पाने की हकदार हैं। न्यायमूर्ति नरेंद्र कुमार व्यास ने विनीता शर्मा बनाम राकेश शर्मा और अन्य के मामले का उल्लेख किया, जहां ये माना गया था कि 1956 से पहले एक सहदायक की मृत्यु पर हस्तांतरण केवल उत्तर जीविता द्वारा होता था। 1956 के बाद महिलाएं भी असंशोधित धारा 6 के परंतुक में उल्लिखित अत्यावश्यकता में विरासत में मिल सकती हैं। अब बेटियों को सहदायक के रूप में माना जाता है, किसी को भी हस्तांतरण द्वारा सहदायक नहीं बनाया जाता है। ये जन्म के आधार पर या गोद लेने के माध्यम से स्पष्ट रूप से अनुमेय डिग्री के भीतर है। एक व्यक्ति को सहदायक के रूप में माना जाना चाहिए, न कि अन्यथा। मद्रास हाईकोर्ट की मदुरई बेंच ने ये देखते हुए कि क्रॉस एग्जामिनेशन के दरमियान CRPC की धारा 161 के तहत दर्ज बयान के निष्कर्ष को ठोस सबूत नहीं माना जा सकता है, ट्रायल कोर्ट की ओर से 3 हत्याओं के आरोपियों को दी गई उम्र कैद की सजा के आदेश को रद्द कर दिया। अदालत ने दोहराया कि आपराधिक मुकदमे में गवाहों द्वारा शपथ पर दिए गए सबूत ठोस सबूत हैं। कोर्ट ने कहा, इसलिए गवाह से जिरह के बहाने लोक अभियोजक द्वारा 161(3) CRPC में निहित बयान को दोहराना कभी भी ठोस सबूत नहीं हो सकता है। ये ध्यान रखना आवश्यक है कि गवाहों से शत्रुतापूर्ण व्यवहार करने और जिरह करने का उद्देश्य कुछ सामग्री प्राप्त करना या गवाहों से सच्चाई का पता लगाना है। गुवाहाटी हाईकोर्ट ने माना है कि मृतक की ऐसी संपत्ति जिस पर उसके बच्चे कोई दावा नहीं कर सकते, जो संपत्ति मृतक को उसके जीवन काल में विरासत में नहीं मिली थी। संपत्ति पर रहने का मतलब ये नहीं है कि संपत्ति उन लोगों को हस्तांतरित हो गई जो उस संपत्ति पर रह रहे हैं। जस्टिस नेल्सन सेलो ने देखा, श्री के वनलाल मानसामा को अपने जीवन काल में भूमि और संपत्ति का उत्तराधिकार नहीं मिला। यदि ऐसा है तो याचिकाकर्ताओं के पास दिवंगत की बेटी होने के आधार पर उक्त संपत्ति के लिए दावा करने का कोई आधार नहीं हो सकता है। राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस अकील कुरैशी 6 मार्च 2022 को सेवानिवृत्त होंगे। इस अवसर पर जोधपुर के अधिवक्ताओं ने शुक्रवार 4 मार्च को आयोजित कार्यक्रम में तालियों की गड़गड़ाहट के साथ स्टैंडिंग ओवेशन कर जस्टिस कुरैशी का अभिनंदन किया। जस्टिस कुरैशी को 12 अक्टूबर 2021 को ही त्रिपुरा हाईकोर्ट से राजस्थान हाईकोर्ट स्थानांतरित किया गया था। 7 मार्च 1960 को जन्मे जस्टिस कुरैशी वर्ष 1983 में अधिवक्ता के रूप में पंजीकृत हुए। 7 मार्च 2004 को गुजरात उच्च न्यायालय में अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में पदभार ग्रहण किया। गुजरात उच्च न्यायालय में 2 नवंबर 2018 को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के पद को संभाला। बॉम्बे हाईकोर्ट में 14 नवंबर 2018 को स्थानांतरित हो गया। वहां से 16 नवंबर 2019 को त्रिपुरा हाईकोर्ट में मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किए गए।
गुजरात हाईकोर्ट ने कहा है आरोपी के खिलाफ ठोस सामग्री न होने की स्थिति में केवल सह अभियुक्त के साथ संपर्क को पुष्टि योग्य सामग्री नहीं माना जा सकता। न्यायमूर्ति उमेश त्रिवेदी की पीठ नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट 1985 की धारा 8C, 22C और 29 के तहत अपराधों के लिए धारा 439 के तहत एक आवेदन पर सुनवाई कर रही थी। पृष्ठभूमि याचिकाकर्ता ने मुख्य रूप से तर्क दिया कि आवेदक के कॉल रिकॉर्ड को छोड़कर जो ये दर्शाता है कि उसने अपराध के समय के आसपास फोन किया था, सह आरोपी के साथ आवेदक की बातचीत का कोई सबूत नहीं था। इसके अलावा सामग्री व्हाट्सएप चैट को सह आरोपियों के उपकरणों से हटा दिया गया था और दिए गए समय पर उपलब्ध नहीं थे। गौरतलब है कि सह अभियुक्त के पास से मेथामफेटामाइन बरामद किया गया था, लेकिन गिरफ्तारी के समय आवेदक या उसके परिसर के कब्जे से कुछ भी बरामद नहीं हुआ था। दिल्ली की एक अदालत ने 2020 के उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों से संबंधित एक मामले के सिलसिले में शुक्रवार को 6 लोगों के खिलाफ आरोप तय किए। इसमें कहा गया कि गवाहों के बयानों को आरोप तय करने के चरण में खारिज नहीं किया जा सकता है, भले ही हिंसा की घटना के 1 साल से अधिक समय के बाद दर्ज किया गया हो। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश वीरेंद्र भट्ट ने बिलाल अंसारी, सुहेल उर्फ भोलू, इमरान गुलफाम, समीर सैफी और सलमान के खिलाफ भारतीय दंड संहिता IPC की धारा 147, 148, 380, 436, 457 सपठित धारा 149 के तहत आरोप तय किए। केंद्र सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस DN पटेल की सेवानिवृत्ति से कुछ दिन पहले दूरसंचार विवाद निपटान और अपीलीय न्यायाधिकरण TDSAT के अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति को मंजूरी दे दी। चीफ जस्टिस DN पटेल 12 मार्च को सेवानिवृत्त होने वाले हैं। संचार मंत्रालय भारत सरकार द्वारा अधिसूचना के अनुसार, जैसा कि मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति द्वारा अनुमोदित है, कि केंद्र सरकार दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस न्यायमूर्ति DN पटेल को अध्यक्ष दूरसंचार विवाद निपटान और अपीलीय न्यायाधिकरण के पद पर 2,50,000 रुपए के मासिक वेतन पर नियुक्त करती है। उक्त नियुक्ति पदभार ग्रहण के तिथि से 4 वर्ष की अवधि के लिए या 70 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक या अगले आदेश तक जारी रहेगी। फिलहाल बस इतना ही। अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए न्याय TV के साथ। नमस्कार।